आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से। अगर आपका आधार कार्ड फट जाता है, गल जाता है, कहीं चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो आप इस सिचुएशन में बहुत ही परेशान हो जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपका आधार कार्ड फट जाए, गल जाए, चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए, किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे बिना शॉप पर जाए, बिना दुकान पर जाए, बिना साइबर कैफे में जाए। क्योंकि अगर आप शॉप वाले के पास जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 60 रुपये से लेकर आपके 100 रुपये तक आपको चार्ज कर देता है और आपको देना पड़ जाता है, क्योंकि भैया अभी आधार के बिना कुछ काम नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड का पासवर्ड हमेशा के लिए कैसे उसको अनलॉक करेंगे। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे आप जो वीडियो देखते होइएगा उसमें तो बता देता है कि कैसे आप जो है आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे, लेकिन आपको बहुत ही कम ऐसा वीडियो देखने को मिला होगा जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे आप अपने आधार कार्ड का पासवर्ड हमेशा के लिए कैसे आप उसको अनलॉक करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे और आपके आधार कार्ड में जो भी पासवर्ड है उसको हमेशा के लिए आप कैसे अनलॉक करेंगे। जब भी आप अपने जो है आधार कार्ड को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको जो है पासवर्ड नहीं मांगेगा, तो मैं आपको वह भी तरीका बताऊंगा कैसे आप हमेशा के लिए अपने आधार कार्ड का पासवर्ड कैसे अनलॉक करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। अगर आपका साइबर कैफे है या आपका दुकान है तब भी आप बहुत ही आसानी से इसी मेथड से आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे और अपने कस्टमर को देंगे। तो कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड किया जाता है, कैसे उसके पासवर्ड को हमेशा के लिए अनलॉक किया जाता है, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको UIDAI टाइपिंग कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि UIDAI.gov.in है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। अगर आपका आधार कार्ड चोरी हो गया है, गिर गया है, फट गया है, तब तो आप बहुत ही इजीली तरीक़े से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे करेंगे मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। और आपको विदाउट लॉक, आप बिना लॉक के भी अपना आधार कार्ड को ओपन कर सकते हैं, आपको लॉक डालने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउनलोड आधार है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अपने आधार कार्ड को तीन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पे EID एनरोलमेंट नंबर और यहाँ पे वर्चुअल ID से भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाऊंगा आधार नंबर से, तो मैं यहाँ अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको मास्क आधार, आप चाहते हैं कि आपके आधार में सिर्फ आपका ईयर ऑफ बर्थ शो हो तो आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो शो नहीं हो, सिर्फ ईयर और बर्थ, यहाँ से आप अनचेक करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये जो कैप्चा है, कैप्चा जैसे है वैसे डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ कैप्चा को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद सिंपली सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना। चलिए मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पर अपना OTP डाल देता हूँ। तो आपके
उसी मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अब कुछ क्वेश्चन है उसको आपको आंसर देना है येस नो में। ये आप कुछ भी डाल दीजिए येस नो में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है रिप्रिंट आधार कार्ड ऑर्डर किए हैं, अगर किए हैं उस साइड पर तो येस करेंगे। इसको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो है इंडिया पोस्ट पे जो है आधार कार्ड के लिए प्रिंटेड किए, अगर किए हैं तो यहाँ पे टाइम देंगे, नहीं तो यहाँ पे नोट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे योर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आधार विल भी डाउनलोड होगा, और यहाँ पे देखिए कि पासवर्ड आपको कैसा रहेगा, वो आपको यहाँ पे हिंट में शो कर रहा है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि ये नाम हो गया और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ हो गया, तो पासवर्ड कैसे डालेंगे ई आधार पासवर्ड। यहाँ देखिए शुरू का चार वर्ड, यहाँ देखिए शुरू का चार वर्ड है, यहाँ पे शुरू का चार वर्ड और आपका ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो ये सब मिला के आपका ये पासवर्ड हो गया, ये बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है नीचे आपका जो आधार कार्ड जो है डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि आपका आधार कार्ड है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड होकर आ गया है। ये मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड मांगेगा, आपका शुरू का नाम का चार वर्ड होना चाहिए, जो भी आपका शुरू का नाम है। देखिए मैं यहाँ चार वर्ड डाल दिया, और आपका ईयर ऑफ बर्थ जो भी है इस तरीके से डालना है, सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका आधार यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड तो आ गया बट ये लॉक है, तो आप इसको अनलॉक कैसे करेंगे, चलिए हम वो भी करके आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना जो डाउनलोड हुआ है उसमें जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा डाउनलोड होके आया हुआ है। यहाँ डाउनलोड वाले पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए मेरा आधार है, और ये जो है लॉक है, इसमें पासवर्ड आपको बराबर मांगेगा। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए, नाम का शुरू का चार अक्षर यहाँ पर डाल दिए, और इसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा, तभी जो है आपका ये आधार ओपन होगा। देखिए आपको इसी तरीके से बार बार आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब आपका आधार यहाँ पे ओपन होगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना पासवर्ड को कैसे इसको आप जो है ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं अपने आधार को। तो इसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट टाइप करना है ऑनलाइन टू PDF। मैंने यहाँ पर डाला ऑनलाइन टू PDF, यहाँ पर देखिए आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देखिए ऑनलाइन PDF कन्वर्टर है, इसमें इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में कुछ इस तरीके से ऑनलाइन PDF कन्वर्टर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे, जो भी फाइल है आपका और जहाँ भी है, तो मैं इस पर जाऊँगा डाउनलोड वाले पर। यहाँ मेरा फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ पर देखिए फाइल मेरा आ चुका है। अब यहाँ जो देख रहे हैं लॉक जो लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड जो भी है अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फॉर्मेट चूज कर लेंगे, आप कौन सा फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे वर्ड में, एक्सेल में, यहाँ पे पावर पॉइंट में, JPG, PNG, आपको ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है। जो भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ PDF पे ही चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इस वाले को ही सेलेक्ट करते हैं, और सिंपली यहाँ पे आपको कन्वर्ट वाले जो है कन्वर्ट इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए कि आपका फाइल यहाँ पे कन्वर्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर 18-21% है। तो यहाँ पे आपका फाइल जो है यहाँ पे कन्वर्ट होके यहाँ पे आपका डाउनलोड होके आएगा। यहाँ पर देखिए कि आपका फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है कि योर द फिनिश्ड द डाउनलोड विल बी स्टार्टेड इमीडिएटली। यहाँ पे जो है इसको आप ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि बिना लॉक का ये खुल रहा है। अब मैं आपको वहाँ भी चल के दिखा देता हूँ जहाँ मैं आपको पहले दिखाया था। मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से मैं फिर चलूँगा उसी फोल्डर में जहाँ पर डाउनलोड होके आता है। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आपके सामने में यहाँ पर देखिए कि ये जो है आधार कार्ड बिना
पासवर्ड का यहाँ पे आपके सामने में यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, जो मैं आपको वहाँ पे दिखाया हूँ कि आप जो है ऑनलाइन टू PDF कन्वर्टर से किस तरीके से आप इसको जो है अनलॉक करेंगे। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड किया जाता है और आपके आधार कार्ड में जो भी पासवर्ड है उसको कैसे हमेशा के लिए अनलॉक किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।